अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। आठवीं में भी ये पढ़े हो, एट्थ स्टैंडर्ड में भी ये था। तो इसमें सबसे पहले तुमको पहचानना है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। द लाइंस विच आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो रेखाएं एक ही समतल में हो लेकिन एक दूसरे को वह प्रतिच्छेदित नहीं करती हो, तो उसे पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। अब पैरेलल लाइन में हम लोग को पहचानना क्या है कि कौन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और कौन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। शुरू करते हैं पहले एंगल को पहचानना। अब ये कैसे नाम दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंगल का नाम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये चार एंगल और ये चार एंगल, ये एंगल कहाँ है इस लाइन के, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, जो कट करता है तिर्यक रेखा। ये जो ए है किधर है, ये चार में यहाँ पर, तो ठीक इसी जगह यहाँ पर ये है, तो इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये क्या है, संगत कोण, तो उसका पेयर लिखना है। तो ए का, ए में क्या भर देंगे, एंगल ई। डी में क्या भरेगा, एच। सी में क्या भरेंगे, जी। बी में क्या भरेंगे, बी का कौन होगा, बी नीचे है तो यहाँ नीचे कौन है, एफ, तो एंगल एफ। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्या होता है, एक इधर तो एक इधर, तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या हुआ, अंदर। तो देखो ये अंदर है और ये, अल्टरनेट मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ, जो जेड बनाता हो, तो ये क्या हो जाएगा, सी का कौन होगा, ई। बी का कौन होगा, इधर एच, तो अंदर अंदर में हुआ, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर। फिर दिया पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर, मतलब जो बाहर है, तो देखो ये ए का जी, एंगल ए का जी और एंगल डी का, डी का एंगल एफ, ये सब बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट, अगर लाइन पैरेलल रहता है। अब इंटीरियर, खाली इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर, अंतःकोण, ये अंतःकोण हुआ, इसको इसको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, और इसको इसको संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। चल तो सी, एंगल सी, एंगल एच, एंगल बी, एंगल ई, ये दोनों क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। अभी तुम लोग ये भी देख सकते हो कि अगर तीन लेटर में लिखना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कर लेने का। अब ये 1 तो इसका 1 ये, तो लिखा हूँ एंगल पी एक्स बी, एंगल एक्स वाई डी, तो ये क्या हो गया पेयर कॉरस्पॉन्डिंग, तो चार बनेगा, दूसरा ये नीचे वाला, तीसरा ये नीचे वाला, चौथा, सब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी फिर इंटीरियर अल्टरनेट में कौन जाएंगे, ये एंगल, ये एंगल। एंगल का नाम बोलने आता है कि नहीं, समझो इस एंगल को बोलना है, तो जिस एंगल को बोलना है वो बीच में रहना चाहिए, तो ऐसे आएंगे एक्स वाई डी, एक्स वाई डी। अच्छा एंगल बी एक्स वाई कहाँ है, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, ये हो गया, क्यों बीच में क्या है एक्स, तो बी एक्स वाई, फिर यहाँ चले जाएंगे, जो बीच में आए वहाँ चले, बी एक्स वाई, वापस गए, ये एंगल एक्स वाई सी, कौन हुआ एक्स वाई, एक्स वाई सी, इधर गया, ये एंगल हो गया एक्स वाई सी। ऐसे नहीं रुकेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ वापस, ये हुआ एक्स वाई सी। तो इसमें भी वही हो गया, सब पेयर लिखा हूँ, कौन किसका है, तो थोड़ा इसको ध्यान दे करके सीखो। इसको क्या कहते हैं, एक लाइन पर अगर दो एंगल हो तो लीनियर पेयर कहते हैं, रेखीय युगल कोण, ये दोनों प्लस होकर के कितना होता है 180। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसका अपोजिट कौन हुआ, ये। इसका अपोजिट कौन हुआ, ये। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है, सर्वांगसम। और जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर एंगल, जैसे ये दोनों इंटीरियर है, ये इसको इक्वल नहीं होता है। देखो ये
ऑब्ट्यूज दिख रहा है ये एक्यूट, तो ये दोनों प्लस होकर के क्या होता है 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर के। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं 2.1, आठवीं में भी था। अब ये ड्राइंग दे दिया है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो दिया है, क्या दिया है कि आरपी पैरेलल टू एमएस लिख दिए, और क्या दिया है एंगल डीएचपी, डीएचपी बीच में एच है ना, तो फिर एच के पास जाना डीएचपी, यहाँ चार एंगल है 1 2 3 4, ये डीएचपी ये हुआ, तो ये कितना दिया है 85 डिग्री। अब पूछा क्या है, पहला देख लो ये क्वेश्चन कहाँ है, ये बुक में देख ले, ये है एंगल, ये दिया है तो ये एंगल डीएचपी 85 डिग्री। पहला क्या पूछा आरएचडी, आरएचडी तो क्या करेंगे, एंगल आरएचडी कहाँ है, तो आरएचडी ये हुआ, तो इसका इस 85 से कोई रिलेशन है, तो हाँ देखो क्या है रिलेशन, दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो क्या लिख दिए आरएचडी प्लस डीएचपी 180 डिग्री, चूंकि लीनियर पेयर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखोगे कि रेखीय युगल कोण, इसीलिए इसको प्लस इसको किए 180 डिग्री। अब दिस एंगल इज इक्वल टू यही लिखेंगे, और डीएचपी तो मालूम है 85 डिग्री 180 डिग्री, उस तरफ गया 85 तो प्लस 85 माइनस 85 हो गया, कितना आया 95 डिग्री, ये एंगल 95 डिग्री। दूसरा क्या पूछा एंगल पीएचजी, तो ये हुआ एंगल पीएचजी, ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ये एंगल पीएचजी किसके बराबर होगा, नहीं पीएचजी होगा डीएचआर के बराबर, किसके बराबर पीएचजी डीएचआर के बराबर, और डीएचआर कितना है, डीएचआर कितना है 95, क्यों अभी निकाले हैं, आरएचडी बोलो यार, या आरएचडी ही लिख दो एंगल आरएचडी। ये जब पूछा तो इसके साथ प्लस कर दिए, ये जब पूछा तो ये इक्वल बोल सकते हो, या इसको इसको भी प्लस करोगे तो 180 कई तरीके से बना सकते हो, तो ये 95 आया, इसका वैल्यू यहाँ आरएचडी का वैल्यू बैठा दिए, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा एचजीएस पूछा है, एचजीएस ये एंगल हुआ, ये और ये कौन एंगल हुआ कॉरस्पॉन्डिंग, तो पहले लिख दिए एंगल एचजीएस इज इक्वल टू एंगल डीएचपी, चूंकि ये इसका पहला एंगल है और इसका पहला एंगल ये है, अब डीएचपी मालूम है 85 डिग्री भर दिए, तो एंगल एचजीएस इज इक्वल टू एचजीएस इज इक्वल टू 85, डीएचपी का वैल्यू लिख दिए। चौथा देखो एमजीके, एमजीके ये हुआ, ये किसके बराबर होगा, तो देखो ये इसके बराबर होगा, क्यों, चूंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होता है, तो एम एम जी, ये जी लिखा हुआ है, एम जी के इज इक्वल टू डी एच पी, क्यों एक्सटीरियर कारण लिखना जरूरी होता है ज्योमेट्री में, तो डी एच पी 85 डिग्री, तो एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री हो गया पहला। अभी दूसरा में देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये नहीं है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल। अब ये ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो कैसे इसका वैल्यू जानेंगे, तो ए बी सी डी चारों पूछा है। अब ए देखो इसके साथ प्लस कर दो, तो एंगल ए प्लस 110, क्यों, तो ये दोनों कौन हो गया लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, कारण एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, पूरा वर्डिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो गया 70 डिग्री मिल गया ए। अब बी कैसे निकालेंगे, तो बी क्या करूं, ये दोनों पैरेलल है, तो देखो बी और ए ऐसे देखो तो क्या लगेगा कि बी और ए क्या है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो क्या लिख दूं एंगल बी, बी पूछा है तो जो पूछे उसका नाम पहले लिखो, बी इज इक्वल टू ए। अब कारण क्या लिखोगे कि एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कारण सब लिखोगे, मैं नहीं भी लिखूं तुम लोग लिख लेने का,
मैं ज़्यादा लिखने लगूंगा, वीडियो बड़ा होगा, फिर तुम लोग पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो। तो एंगल बी इज इक्वल टू, ये हम लोग निकाल लिए, कितना डिग्री, 70 डिग्री। तीसरा क्या आया, सी। तो सी और इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका इसका रिलेशन क्यों, पैरेलल तो ये दोनों है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सी को देखो, कॉरस्पॉन्डिंग है सी और 115। तो एंगल सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दिए 115, क्यों, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एकदम इजी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद क्या निकाल लो, डी। डी क्या होगा, ये प्लस ये कर देते हैं, तो एंगल डी पूछा है, प्लस क्या लिख दूँ, 115। ये क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कभी भी इक्वल नहीं लिखते हैं, प्लस करके 180 लिखते हैं। तो कितना हो गया ये, क्या लिखूँ यहाँ, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, फुल फॉर्म में लिखना, लीनियर पेयर। मेरा सब कॉपी करने का, हैंडराइटिंग नहीं। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 100 चला गया, 80 में से 10 गया 70, 70 में से 5 गया 65। तो ए बी सी डी सब लास्ट में लिख देने का, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री, आंसर यहाँ लिख देने का। एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया, वो भी 70 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया, 115 डिग्री। और एंगल डी इज इक्वल टू क्या आया, 65 डिग्री। ओके, चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है। थर्ड में ये ड्राइंग है, इसमें ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो पहले हमको पूछा, अब ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ठीक। तो एक ए कहाँ है, यहाँ। तो ए तो सबको रिलेशन किससे देखेंगे, कि 45 से किसी का रिलेशन है कि नहीं है। तो 45 से ए का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो जब नहीं रिलेशन देना, तो एक एंगल कोई इससे बना देने का यहाँ। तो देखो क्या नाम दे दिए, एक्स, ये अपने से एक बना दिए, पूछा नहीं है तो हम बना दिए। अब एक्स किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 45। क्यों, क्यों 45 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमको एक्स अपने मन से डाल दिए, अब तुम बता सकते हो ए कितना होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ने लीनियर पेयर, फुल फॉर्म लिखना, फिर बोल रहा हूँ, रेखीय युगल कोण। अब ए प्लस एक्स मालूम कर लिए हैं कि ये एक्स अपने मन से डाले थे, तो कितना आया है एक्स, 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयर फोर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया 3 और ये 1, 135 डिग्री ए मिल गया। अब बी क्या बताओगे, तो बी और ए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू निकाले हैं कितना, 135 डिग्री। अब बोलो सी कैसे होगा, तो सी देखो, सी और बी एक ही डायरेक्शन में है, ये भी नीचे इधर है, ये भी ऐसे नीचे, नोटबुक घुमा लिए, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, संगत कोण। तो क्या लिख दूँ, एंगल सी जो पूछे उसका नाम पहले इज इक्वल टू एंगल बी। अब बी हम लोग निकाल लिए हैं, कितना हुआ है बी, 135 डिग्री। यहाँ क्या कारण लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, सी भी मिल गया। अब आंसर, एंगल ए इज इक्वल टू, सब एक एक करके अब एक जगह लिख दिए, 135 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू, वो भी 135 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू, वो कितना आया, वो भी 135। तो सब 135 करके आया। ओके, तो एक जगह ये सारा आंसर लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये ड्राइंग है, इसमें क्या बोला, गिवन में क्या दिया, कि ये दोनों पैरेलल है, एंगल का जो ये साइड है पैरेलल है, और ये पैरेलल है। तो इसको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्या करने का, इसमें इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे,
तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिए, बढ़ा दिए, और इसको इधर आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए। अब यहाँ कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे दूँ, पी क्यू आर आ ही गया, एक्स वाई जेड, चलो ए नाम दे देता हूँ, यहाँ बी, ठीक। तो हम दोनों ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है, कैसे होगा, तो हम अब ये तो पैरेलल है, पैरेलल है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि ये एंगल को नाम क्या दे दो, ए दे दो, इस एंगल को नाम बी दे दो, और इस एंगल को नाम सी दे दो, कोई किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अब देखो ये और ये पैरेलल है, तो ए और बी क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों होगा, तो संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये हो गया। तो इसको नाम वन दे दिए, ए और बी बराबर हुआ। अब देखो ये और ये भी पैरेलल बोला है, ये और ये पैरेलल है, तो ये इधर है, ये भी इधर है, ये क्या हो गया, ये भी कोरस्पोंडिंग। तो फिर लिखे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको लिखे दूसरा इक्वेशन, इसका भी कारण क्या होगा, यही कोरस्पोंडिंग एंगल, वो भी कोरस्पोंडिंग। अब क्या देख रहे हैं, ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है, तो दोनों बी के बराबर ही ए भी है और बी के बराबर ही सी भी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तुम लोग को सीखना है, ये सब अभी तुम लोग उतना जानते नहीं हो, समझो कि राम के बराबर हाइट श्याम का है और राम के ही बराबर हाइट मोहन का है, तो इसका मतलब क्या होगा, श्याम और मोहन भी बराबर हाइट का होगा, तो मतलब बी के बराबर ही ए है, बी के बराबर ही सी है, एंगल का वैल्यू सेम है, इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, ये दोनों बराबर हो गया, चूंकि ये भी बी के बराबर, ये भी बी के बराबर, सी भी बी के बराबर। अब ए किसका नाम दिए थे, एक्स वाई जेड, कॉन्ग्रुएंट टू सी किसका नाम दिए थे, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का, प्रूव्ड हो गया, यहाँ लास्ट में लिख दिए प्रूव्ड, बात समझा। तो ऐसा ये कंस्ट्रक्शन किए, ये ब्रोकन लाइन में करने का, टूटी हुई रेखा में, यहाँ ए बी सी जरूरत था इसलिए नाम डाल दिए ए बी सी करके, तो ए बराबर बी, बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी, और ये नाम फिर से डाल दिए एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ओके। अभी हम लोग को देखो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी देख लो, ये है, तो इसमें क्या बोला, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो सबसे पहले क्या लिख देना, कोई भी कभी भी क्या करो, गिवन पहले लिखो क्या दिया है, तो ए बी देखो लिख दिए ए बी पैरेलल टू सी डी, और दूसरा वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, पी क्यू, ओके। तो बस ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो देखो क्या क्या पूछा, ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू, एंगल पी आर बी। तो पहला एंगल ए आर टी, मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी कोई पूछे ना, पहले उसका ही नाम लिखो ए आर टी। अब बोलो ए आर टी को 105 से कोई रिलेशन है, है, ये दोनों अगर मिल जाता है तो लीनियर पेयर बन, इसलिए क्या लिख दो, प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा, एंगल सीने लीनियर पेयर, लिख दिए। अब क्या करो, देयरफॉर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना हो गया, 75 डिग्री, मिल गया ए आर टी। दूसरा क्या पूछा है, सी टी क्यू, सी टी क्यू सेकेंड, तो सी टी क्यू का किससे रिलेशन है, 105 से तो नहीं है, लेकिन अभी इसका निकाले वैल्यू ए आर टी का, तो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी, देखो ए आर टी बोल करके फिर यहाँ जाने का, एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों क्यों हुआ इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, इसका और इसका वैल्यू, तो ए आर टी तो हम लोग निकाल लिए कितना, 75 डिग्री, ये भी मिल गया।
तीसरा क्या पूछा है? तीसरा पूछा है एंगल डी टी क्यू। कहाँ है डी टी क्यू? डी टी क्यू, ये एंगल। बोलो पहले देखने का 105 से कोई रिलेशन है? है, ये नीचे है और ये भी नीचे, कौन सा एंगल हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो थर्ड एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी आर टी। बी आर टी क्यों होगा? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू, ये कितना है बी आर टी? 105 डिग्री। तो मिल गया ये भी। चौथा एंगल पी आर बी, पी आर बी। फोर्थ एंगल पी आर बी। बोलो पी आर बी का किससे रिलेशन है? इससे ही कर दो, किससे? बी आर, या ए आर टी से भी कह सकते हैं। देखो ए आर टी निकाले हैं, ए आर टी कितना निकला? 75। कोई इससे प्लस करके कर देगा या कोई सीधा इसका इक्वल कर देगा, तो क्या कर दो? इक्वल टू एंगल ए आर टी। ए आर टी क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी आर बी इज इक्वल टू, इसके बराबर लिखे ए आर टी के बराबर, ये दोनों क्या हो जाता है? वर्टिकली अपोजिट। तो ये ए आर टी पहले ही निकाले थे, कितना? 75 डिग्री। तो टोटल इसका पांचों क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखने का, बनाने का। इसके बाद ये थ्योरम है जो तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले ये थ्योरम सीखना कि ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री क्यों होता है। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम बताए थे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तीनों मिलके 180 डिग्री क्यों होता है, तो वो प्रूव करना है। वही गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। ओके, तो चलिए इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं। और चैनल जो नए बच्चे रहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सर का स्टाइल अगर पसंद आए, समझ में आए, तो ज़रूर करने का सब्सक्राइब। सीखो तुम लोग, जानो। ऑल दी बेस्ट।